अब हकीकत यह है कि गल्फ में रहने वाले 80% लोगों की भाई साहब जिंदगी इसमें निकल जाती है। आपको क्या करना होता है, आप ये मानो 20-25 साल की उम्र में बाहर जाते हैं, ठीक है जी, और आप 45-50 साल तक की उम्र में काम करते हैं कंपनियों में, और उस दौरान आपकी सैलरी होती है 20,000 से लेकर 40,000। अगर 50 साल की उम्र में घर बैठ गए और बचत के नाम पे बाबा जी का टल्लू, इसके अलावा 20,000 से लेकर 40,000 के बीच में होती है। 10% लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा स्किल्ड होते हैं, हाई स्किल्ड में आ जाते हैं, उनकी तनख्वाह 50,000 से लेकर 1,00,000 के बीच में होती है। 10% लोग ऐसे होते हैं जो 1,00,000 से ऊपर कमाते हैं, जो मैंने आपको बताया। आने वाले लोग भी विदेश यूरोप जा सकते हैं, तो मेरी तरफ से 100% यस है, गारंटी के साथ आप जा सकते हैं भाई साहब, कोई नहीं रोकने वाला, हम भी जा सकते हैं। आप यकीन करिए, अभी मैं वीडियो बनाने वाला हूं इटली का, 1,36,000 वैकेंसी आई है दिसंबर लास्ट में। रिपोर्टेड होता है कि कम पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ टाइप के हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता भाई साहब, उनके लिए ये रामबाड़ है। ये जो दिख रहा है आपको, ये कम से कम 50 मैन पावर ऑफिस ऐसी है जो अलग अलग वीडियोज में बताता हूँ, लेकिन अभी आपको सबको एक जगह कंबाइन करके मैं बता रहा हूँ। साथियों बिल्कुल आपने थंबनेल सही पढ़ा है, गारंटी के साथ ये वीडियो ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। जी हाँ, कि गल्फ देशों में रहने वाले लोग भी यूरोप देशों में जा सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं इन तरीकों से। इस वीडियो में हम वो बातें बताएंगे जो आपके ऊपर गुजरती है, आप उसको हर दिन रात फेस करते हैं आपके सामने। ये वीडियो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना ऐसा कोई कीवर्ड कि गल्फ में रहने वाले भी यूरोप जा सकते हैं या किसी भी प्रकार से, आपको गारंटेड बात कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है, वो आप लोगों के साथ साझा करूंगा, और ये कहानी आपके ऊपर फिट बैठती है। और इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि आप कैसे गल्फ में रहने वाले लोग भी यूरोप जा सकते हैं कम खर्चे में, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। और इसमें यह भी बताऊंगा भैया एजेंट कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सस्ते में आपका काम बन जाएगा। डिटेल्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर ये कहानी एक तरीके से कहानी टाइप की बताऊंगा और ये आपके ऊपर लागू होती है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना इस वीडियो में, मैं सबके कमेंट पढ़ने वाला हूं और आपको भैया आंसर भी मैं देने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आज भैया हम बात करेंगे, ये देख रहे हैं आपको लाइन दिख रहा है आपको, ये यूरोप में काम करने वाले उन लोगों की है, 80% लोग वो हैं जो ब्लू कॉलर के जॉब वाले हैं। अब आप सोचोगे यार, क्या आप 20,000 से 40,000 रुपए में जिंदगी काटने वाले लोग हैं, क्या आप यूरोप जा सकते हैं? गल्फ में काम करने वाले मजदूर वर्कर भी कैसे विदेश गल्फ में जा सकते हैं? अब आप बोलोगे यार मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई साहब, कम पढ़े लिखे लोग भी विदेश जा सकते हैं। आपको लगता है ना कि यार मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो 5वीं पास हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, है ना, मैं तो अंगूठा टिकाता हूँ ना, पासपोर्ट में बहुत सारे लोगों के तो अंगूठे के बने हुए हैं, और कम से कम 10वीं बारे तो आजकल के बंदे पढ़ लेते हैं, लेकिन वो भी इतनी एजुकेशन नहीं आती। तो आपको लगता है कि मैं तो यार पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्या मैं गल्फ यूरोप जा सकता हूँ? या फिर आपको ये लगता है कि मेरे पास कोई स्किल नहीं है भाई साहब, मैं तो ये काम करता हूँ तगारी ढोने वाला, ये गल्फ में तो आसानी से मिल जाता है। आप किसी एजेंट को 20-30-50-60,000 रुपए दो, वो आपको 800-900,000 आराम में भेज देता है, जिंदगी कट जाती है, आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपको ये लगता है कि यार मेरे पास तो पैसा नहीं है, है ना, मेरे पास तो यूरोप जाने का 10-10 लाख लोग देते हैं, वो पैसा ही नहीं है, तो मैं तो यूरोप जा ही नहीं सकता, है ना, ये आपके मन के सवाल है। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा इस बारे में। या फिर आपको ये लगता है कि यार चलो मैं कोशिश भी करता हूँ बाहर जाने की, तो यूरोप भेजने वाले मैं एजेंटों को नहीं जानता, मेरे पास भैया जितने भी लोगों से मेरी बात होती है ना वो इन्हीं लोगों से होती है, सच बात है, ठीक है जी। या फिर इतनी बड़ी आपकी सोच नहीं है कि आप यूरोप पहुंचे, आप यूरोप जाना चाहते हैं, इतनी बड़ी सोच नहीं होती आपकी। एग्जाम्पल मैं दूंगा, एक अभी कल मेरे परिवार में कोई ताऊजी का लड़का सऊदी अरबिया गया है, वो रिटर्नर है, हर बार फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है मैन पावर ऑफिसों से, ओमान की कोई कंपनी में काम कर रहा था पहले हैदराबाद में, उनको लगाया गया, अभी उनको सऊदी भेज दिया गया, 4 जेंट का वर्कर है। तो मैं बोला भैया कितनी तनख्वाह लगाइए, बोले यार सऊदी में 1400 दराम लगाइए, मैं बोला यार 1400 रियाल तो बहुत कम है, बोला यार ठीक है। इटली का उनको ऑफर दिया गया था 60,000 रुपए में, इटली वो भेज रहे थे, लेकिन भाई साहब ने मना कर दिया, यार अपने को तो कितना टाइम निकालना है, थोड़ा ही टाइम निकालना है, तो इटली मना कर दिया कि यार वहाँ अपने आदमी नहीं है, समझ रहे हैं। तो वही है यार कि बस माइंड में यार जहाँ अपने आदमी वहीं जाना चाहिए, चाहे तनख्वाह कम हो चाहे कुछ भी हो, समझ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब 10%, अब उसमें एजुकेशन की बात करें तो भैया 10% लोग हैं जो ठीक ठाक पढ़े हैं, और 80% लोग ऐसे हैं जो एवरेज पढ़े लिखे हैं। अब 80 में भैया अंगूठा छाप भी आ जाता है और 10वीं 12वीं तक भी आ जाता है, 10वीं 12वीं आजकल कोई एजुकेशन नहीं है, आप समझ लेना कि 10वीं 12वीं कोई एजुकेशन नहीं है, एवरेज पढ़े लिखे 80% लोग हैं, और उसमें से 10% लोग ऐसे हैं जो बीए तक पढ़े लिखे, यानी कॉलेज कर लिया, गल्फ कंट्री की तरफ मुंह होने की सोच रहे हैं। अब यहाँ पे बात करें भाई 10% ऐसे हैं जो हाई स्किल्ड जॉब वाले, दिख रहे हैं आपको, डॉक्टर्स हो गया, इंजीनियर हो गया, साइंटिस्ट हो गए, बड़े जॉब है ना, हाई स्किल्ड जॉब है वो है। अब हकीकत क्या है कि गल्फ में रहने वाले 80% लोगों की भाई साहब जिंदगी इसमें निकल जाती है। आपको क्या करना होता है, आप ये मानो 20-25 साल की उम्र में बाहर जाते हैं, ठीक है जी, और आप 45-50 साल तक की उम्र में काम करते हैं कंपनियों में, और उस दौरान आपकी सैलरी होती है 20,000 से लेकर 40,000। अगर मेरी बात सही लगे तो भैया कमेंट करके जरूर बताना मेरी बात को। 80% लोगों की उम्र है ना शादी करने में निकल जाती है, मकान बनाने में निकल जाती है ना, बच्चों को पढ़ाने में लग जाती है, और भी घर में बहुत सारे काम होते हैं ना, काम करते करते
जवानी में जाते हैं, बुढ़ापे में आते हैं भाई साहब, ये हकीकत बात है। और इससे ज्यादा आप गल्फ में रहने वाले अगर कोई करता है 80% लोग ब्लू कॉलर वाले, तो मुझे कमेंट करना कि भाई साहब मैं 25 साल की उम्र में 20 साल की उम्र में गल्फ में गया था, 20-25-30 हजार 40 हजार मेरी तनख्वाह थी, और इसमें आपने अपनी शादी कर ली, हो सकता है भाई बहन की कर ली, मकान बना लिए, बच्चों को पढ़ा दिया ना, कोई कर्जा उतार दिया, और भी बहुत सारे परिवार में काम होते हैं वो कर दिए, लास्ट में 50 साल की उम्र में घर बैठ गए और बचत के नाम पर बाबा जी का ठल्लू, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं बचा। आपकी रियल स्थिति ये होती है गल्फ में रहने वाले लोगों की। अब उसमें देखिए 10% लोग वो हैं जो ठीक ठाक थोड़ी बचत कर लेते हैं, क्योंकि इनकी सैलरी है ना 50,000 से लेके 1,00,000 के बीच होती है, ठीक है जी, ये थोड़ा स्किल्ड जॉब इसको पढ़ लो तो ये है थोड़ा ठीक ठाक, वो मकान वगैरह ये सब कुछ करने के बाद में हो सकता है उनके पास थोड़ी बहुत बचत एक्स्ट्रा हो, कोई गाड़ी वाड़ी ले ले, ये स्थिति है। 10% लोग ही भाई साहब गल्फ में ऐसा है जो आपकी जीवन में सब कुछ कर लेते हैं वो, क्योंकि ये वो लोग हैं, दिख रहे हैं आपको, ये वो लोग हैं जिनके सैलरी 1,00,000 से 10,00,000-15,00,000 महीना भी हो सकती है, उनकी तो बात ही नहीं करते भाई साहब, वो तो दुनिया फतेह कर ले तो भी कम है, क्योंकि उनके पास पैसा है। साल का कोई आदमी 50,00,000-1,00,000 कमा रहा है, 20-30 लाख कमा रहा है, तो भाई साहब उनको सब कुछ कर लेगा ना, ये तो नहीं कर सकते। और नॉर्मल है वो थोड़ा बहुत ठीक है, फैमिली सेटल हो जाएगी, मकान बना लिए, 20-30 लाख उसके पास है, इतना ही हो सकता है। कमेंट करके जरूर बताते रहना कि हकीकत है आपके साथ या नहीं है। जहां तक मैं मानता हूं आप कमेंट करना कि 80% लोगों की तनख्वाह 20,000 से लेकर 40,000 के बीच में होती है, 10% लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा स्किल्ड होते हैं, हाई स्किल्ड में आ जाते हैं, उनकी तनख्वाह 50,000 से लेकर 1,00,000 के बीच में होती है, 10% लोग ऐसे होते हैं जो 1,00,000 से ऊपर कमाते हैं, जो मैंने आपको बताया। अब आप ये तो बातें हो गई गल्फ में रहने वाले लोगों की स्थिति के बारे में, अब हम बात करेंगे कि क्या गल्फ में रहने वाले लोग भी विदेश यूरोप जा सकते हैं, तो मेरी तरफ से 100% यस है, गारंटी के साथ आप जा सकते हैं भाई साहब, कोई नहीं रोकने वाला आपको, जी हाँ। अब हम बात कर लेते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं भाई साहब, कैसे जा सकते हैं, देखिए पहली बात तो ये कि आप अगर रिटर्न हैं, जैसे दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, सऊदी, कुवैत वगैरह किसी देश में रिटर्न है, तो आपके पास 100% सर्टिफिकेट होगा, वो सर्टिफिकेट आपका यूरोप देशों में मूव होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपके पासपोर्ट में वीजा लगा हुआ है किसी भी स्किल्ड वर्कर का, आपको स्किल्ड वर्कर है और पासपोर्ट में उसी कैटेगरी का वीजा लगा हुआ है, 100% वो आपके काम आएगा और आपको यूरोप जाने के लिए मूव हो सकता है। या फिर आपके पास कोई सर्टिफिकेट इंडिया में, भैया आपने कोई काम सीखा या नहीं सीखा तो भैया सीख सकते हैं, किसी भी सेक्टर में आप सर्टिफिकेट ले लो, ये सर्टिफिकेट आपके काम आने वाला है, यूरोप देशों में मूव होने के लिए सबसे ज्यादा रोल निभाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बिल्कुल भाई कम पढ़े लिखे लोग भी जा सकते हैं, आप यकीन करिए, अभी मैं वीडियो बनाने वाला हूं इटली का, 1,36,000 वैकेंसी आई है, दिसंबर लास्ट उसका वैकेंसी है, उसमें अनपढ़ लोगों को भी मांगा गया, सीजनल वर्क परमिट वीजा में जा सकते हैं भाई साहब अनपढ़ लोग। ऐसा बहुत सारे यूरोप की कंट्री हैं, माल्टा हो गया, पोलैंड हो गया, क्रोएशिया हो गया ना, लिथुआनिया हो गया, या फिर रोमानिया, आर्मेनिया, बहुत सारी ऐसी कंट्री है, जरूरी है यूके, यूएसए, कनाडा की बात करते हैं आप, यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, लो जी नहीं जा सकते भाई साहब, जरूरी नहीं है, यूरोप में 52 कंट्री है भाई साहब, आप कितनी कंट्रियों की बात करते हैं, कितनी कंट्रियों की बात कर लेते हैं आप, 52 कंट्री है, सबके सभी करोड़ गांव में 500 लोग हैं, जरूरी है सबके सब पैसे वाले हैं, समझ रहे हैं, बहुत सारे गरीब भी हैं, इनमें भी ये स्थिति है, गरीब कंट्री भी यूरोप में आती हैं, समझ रहे हैं, एक परिवार में 5 भाई हैं, सबके सब आईएएस तो नहीं है, एक आईएएस बन गया है ना, जरूरी है कि सब आईएएस हो, बहुत सारी ऐसी हैं कंपनियां, वर्कर भी हैं, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे आपको अनपढ़ लोगों को भी लिया जाता है। और चेकावाटी क्षेत्र के भाई साहब काफी लोगों को मैं जानता हूं जो यूरोप देशों में रहते हैं, और एग्जाम्पल समझिए राजस्थान चूरू जिले में सुजानगढ़ पड़ता है, इटली में, जापान में, है ना, बहुत सारी कंट्रियों में वहां के लोग रहते हैं और वो अच्छा खासा पैसा वहां पे कमा रहे हैं, अनपढ़ लोग कमा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि आप नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं, कैसे जाएंगे वो भी मैं बता दूंगा, कम पैसों में भी जाया जा सकता है, जरूरी नहीं भाई साहब आपके पास 10,00,000-15,00,000 हो तो ही आप जा सकते हैं, आप 2-4 लाख रुपए में जा सकते हैं, इतना जुगाड़ तो मुझे पता आप कर ही लोगे, और हो सकता है सस्ते में, इससे भी सस्ता काम बन जाए, वो आपकी किस्मत है। अब बात करें भैया आर्मेनिया, रोमानिया, है ना, इन जैसी कंट्रियां और भी बहुत सारी हैं, वहां पे आप 1.5 लाख में चले जाओ ना, कौन मना करता है, 50,000 तनख्वाह मिल रही है, गल्फ में 20,000 कमा रहे हैं, वहां 50,000 कमा रहे हैं, है ना, 2.5-3 गुना तनख्वाह आपकी मिल जाती है, जा सकते हैं 100%, बिना स्किल के भी आपको जाया जा सकता है, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं, कुछ नहीं आता भाई साहब आपको, यार छोड़ दो गल्फ में तो आप मान लो कि आप तगारी ढो रहे हैं, वो भी तो अनपढ़ में काम कर रहे हो ना, आप ये क्यों नहीं समझते भाई साहब, जो गल्फ में काम होता है उससे 10 गुना ज्यादा यूरोप में काम होता है, गल्फ में ऐसा क्या है, गल्फ में तो कंस्ट्रक्शन का काम है 80%, ये मान लो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा काम कंस्ट्रक्शन के गल्फ में चलते हैं, इसके अलावा इतना काम नहीं है इंडिया में, जितना जितना कंट्री है, इतनी इतनी बड़ी कंट्री है, तो इससे बेस्ट है यूरोप कंट्री में भाई साहब, इसके अलावा इतने सारे, कितने नाम बताऊं भाई साहब मैं, बहुत सारे जॉब ऐसे, क्लीनिंग में मान लो, है ना, होटल में साफ सफाई का कर्मी का काम हो गया, फूड डिलीवरी का हो गया, इतने सारे कितने जॉब बताऊं यार, कि ऐसे बिना स्किल के जॉब है जिनमें आप जा सकते हैं और अच्छा खासा 1,00,000 रुपए तक महीना भी आप कमा सकते हैं। अब बात कर ले भाई साहब एजेंट आपको कहां मिलेंगे सस्ते, ये भी एक इंपॉर्टेंट, यही पार्ट आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़ा पार्ट, मेन पार्ट ये आ जाता है भैया गल्फ में रहने वाले, जी हाँ, कम पढ़े लिखे लोग कैसे यूरोप जा सकते हैं, तो उसमें देखिए 2-3 तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट तरीका तो ये कि भैया आप ऑनलाइन आप ट्राई करें अलग अलग तरीके से, थोड़े भी पढ़े लिखे हैं तो बहुत सारे तरीके हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैं यहाँ पे लिंक स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, अगर आपको वेबसाइटों के थ्रू आप अप्लाई करते हैं आपको कोई स्पॉन्सर मिल जाता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप जा सकते हैं। दूसरा तरीका विजिट टू वर्क होता है, बहुत सारी कंट्रियों का आपको विजिट वीजा मिल जाता है आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, जरूरी तो नहीं होता कि सबके
सबके पास भी भैया डॉक्यूमेंट अगर आप प्रिपेयर पूरा कर देते हैं तो आपको विजिट वीजा मिल सकता है, तो आप जा सकते हैं। थर्ड नंबर पे इंपॉर्टेंट होता है कि कम पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ टाइप के हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता भाई साहब, उनके लिए ये रामबाण है। ये जो दिख रहा है आपको, ये कम से कम 50 मैनपावर ऑफिस ऐसी है जो अलग अलग वीडियोज में मैं बताता हूँ, लेकिन अभी आपको सबको एक जगह कंबाइन करके मैं बता रहा हूँ कि ये मैनपावर ऑफिस है। ये अगर गिनने बैठूं तो टाइम लग जाएगा, लेकिन ये मेरे हिसाब से 50 से ज्यादा मैन पावर ऑफिस हैं, यहाँ के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। इनके ऊपर सबके ऊपर लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा है ना, तो ये लाइसेंस नंबर आप बोलोगे जी मिलेगा कहाँ पे, तो इनका इनका तरीका ये कि ये बहुत सारे लोगों के पास ये बुक है, इस बुक में आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस बुक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में इसमें सीरियल नंबर लिखेंगे, ये भाई साहब बहुत सारे सीरियल नंबर हैं, यहाँ से आप अपना यूरोप से रिलेटेड काम करवा सकते हैं। अब इसी की अगर बात करें तो राजस्थान में अगर पोलैंड की देखिए, जो मैं वही बातें बताता हूँ जो प्रैक्टिकल है, पोलैंड माल्टा वगैरह 5 से 6 लाख रुपये रेट चल रहा है। अगर आप इन्हीं मैन पावर ऑफिसों के थ्रू जो मैंने बताया यहाँ पर अप्लाई करते हो तो 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख यानी आधे पैसे में आपका काम बन सकता है। तो कितने अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आप विजिट टू वर्क जा सकते हैं, आप अपना वीजा 10-15 हज़ार रुपए पर प्लस टिकट वीजा अगर मिल जाता है तो आप मूव हो जाओ, या फिर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वहां पे आप अप्लाई कर लो, आपका कोई जानकार है तो उससे रिक्वेस्ट कर लो। थर्ड नंबर पे ये है कि भैया इनसे आप इतना पैसा खर्च, एजेंट को भी तो आप मान लो गल्फ के नाम से लाख रुपए आपका खर्चा हो जाता है, तो थोड़ा सा पैसा और खर्च कर दो, ये पैसा आप ये मान लो कि 3 से 4 महीने में वसूल कर लोगे, इतना ही खर्चा है। यहां से भी आप यूरोप में गल्फ में रहने वाले लोग भी यूरोप जा सकते हैं गारंटी के साथ, और बहुत सारी पब्लिक है जो जाती है। यूरोप में कितने रहते हैं भाई, 1 करोड़ पॉपुलेशन रहती है गल्फ कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में इंडिया के कितने लोग हैं, 1 करोड़ से कम ही है, बाकी 5-6 करोड़ है भैया इंडिया के रहने वाले, बाकी कहां है, बाकी कहां लोग हैं, वो सब यूरोप देशों में बैठे हैं भाई साहब, बहुत सारी कंट्री, यूरोप के अलावा भी बहुत सारी कंट्री हैं, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, अफ्रीका के कितने सारे देश हो गए, वहां पे आप जाके अपना भविष्य बना सकते हैं और आपकी जो भी सपने होंगे ना भैया वहीं पे पूरे होंगे। बाकी गल्फ कंट्रीज में तो उतना ही है जितना आप दाल रोटी आपका जुगाड़ चलेगा, जितना आपके घर में खर्चा है उतना आप कमा रहे हो, चल रहा है, थोड़ा बहुत ब्याज पे ले लेते हो, कमा के वापस दे देते हो, जरूरत पड़ती है फिर ले लेते हो, फिर दे देते हो, ऐसे करके 50 साल की उम्र चल जाती है। मेरे गाँव में कितने सारे बुजुर्ग लोग हैं जो सब लोग अपनी जवानी विदेश गल्फ कंट्रीज में काट के बुढ़ापे में घर आके बैठ गए, उनके बच्चे हैं जिनके बच्चे पढ़ लिख के नौकरी बन लग रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, उनकी तो बात नहीं करता, बाकी बहुत सारी ऐसी हैं जिनके बच्चे भी 10वीं 12वीं की और वो भी गल्फ में बैठे हैं, वो भी वही प्रोसेस में चल रहे हैं सेम टू सेम। अब हो सकता है उनके बच्चे अगर पढ़ लिख लें तो वो कोई दूसरे तरीके से अलग कंट्रीज में अपना बिजनेस अपनी गवर्नमेंट जॉब वगैरह कर सकते हैं। तो ये डिटेल है भैया, अब इसको आप कितना फॉलो करते हो, मेरी बातें कितनी अच्छी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मैं सब लोगों के कमेंट पढ़ने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद जय भारत।